एक मिनट, वेट वेट, आगे बढ़ने से पहले यह क्लियर करना जरूरी है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हाइट पूरी तरह से जीन्स पर डिपेंड होती है, मतलब उनके माता पिता की हाइट जितनी होगी उतनी हाइट उनकी भी। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो यह चीज अपने दिमाग से निकाल दे। हाँ, माना हाइट का बढ़ना जीन्स पर डिपेंड होती है, मगर पूरी तरह से डिपेंड नहीं होती है। आप बोल रहे होगे कि ओके चलो मान लिया कि तू सही है, लेकिन मैं हमेशा एक्सरसाइज योगासन करते रहता हूँ, लेकिन मेरी हाइट फिर भी कहाँ बढ़ती है। बस यहीं पर सभी लोग गलती करते हैं। जो भी अपने हाइट को बढ़ाना चाहते हैं वह सभी यहीं पर गलती कर देते हैं। मतलब एक्सरसाइज योगासन ये सभी चीज़ों को तो वह करते हैं, मगर हाइट बढ़ाने के लिए जो मेन चीज़ की ज़रूरत होती है वही कोई नहीं करते हैं। मेन चीज़ यार, वो मेन चीज़ क्या है? वो मेन चीज़ है डाइट, यानी आहार। आपके हाइट को बढ़ने के लिए जितना ज़रूरी एक्सरसाइज और योगासन होती है उससे ज़्यादा ज़रूरी डाइट होती है। माना आपको जिंदा रहने के लिए सिर्फ खाना दिया जाए, पानी नहीं, तो क्या आप जिंदा रह सकोगे? ऑफ कोर्स नहीं। बस उसी तरह आपके हाइट के ग्रोथ के लिए भी एक्सरसाइज योगासन के साथ साथ एक स्वस्थ भोजन, एक अच्छे डाइट की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में मैं आपको हाइट बढ़ाने के लिए जो सबसे असरदार डाइट है उसी के बारे में बताऊंगा, अदर डाइट नहीं। इस वीडियो में आप जो जो डाइट के बारे में जानोगे वह सभी डाइट आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे अगर आप रेगुलर और सही से फॉलो करते हो तो आपकी हाइट 100% बढ़ेगी। लेकिन आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। हाइट को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा असरदार प्रोटीन को माना जाता है। प्रोटीन के बाद सबसे असरदार विटामिन को माना जाता है। विटामिन में विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। उसके बाद आता है मिनरल्स। मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यह सभी आपके हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के ऐसे बेस्ट सोर्सेस हैं जो आपके हाइट को बहुत ही जल्दी बढ़ा सकती है। तो पहले बात करते हैं प्रोटीन के सबसे बेस्ट सोर्स के बारे में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, यानी आप मांसाहारी हो, तो आपके लिए चिकन, अंडा और मछली सबसे बेस्ट है। चिकन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम चिकन में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा एग में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे का जो व्हाइट वाला भाग होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे का व्हाइट भाग में 3 से 4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। और मछली में भी प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक रहती है। 100 ग्राम फिश में लगभग 24 से 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। चिकन, फिश और एग यह प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स है। इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यह आपके हाइट को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। और अगर आप वेजिटेरियन यानी शाकाहारी हो तो आपके लिए सोयाबीन और मिल्क सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सोयाबीन में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन जो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, यह सबसे सस्ता और सबसे असरदार फूड है, जिसे चाहो तो आप रोजाना भी खा सकते हो। और मिल्क में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क यानी दूध से बनी कोई भी चीज़ जैसे दही, पनीर, मक्खन, इन सभी में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए आप इसे रोजाना खाएं। इससे आपकी हाइट काफ़ी जल्दी बढ़ेगी। और अगर आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों हो तो आप इन सभी चीज़ों में कुछ भी खा सकते हो। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में अमरूद और अनार, इनमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। अमरूद और अनार यह प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। यह आपके हड्डियों को मजबूत करके आपकी हाइट को बढ़ाने में मदद करती है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में हरी सब्जियाँ जैसे साग, गोभी, इसे खाने से आपको डाइटरी फाइबर्स मिलता है, जो आपके HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे आपकी हाइट बढ़ने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्राई फूड की बात करें तो ड्राई फूड में काजू और बादाम यह आपके हाइट को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है। तो आपने अभी जो जो जाना यह सभी चीज़ प्रोटीन के सबसे बेस्ट सोर्स हैं। आप इनमें से कुछ भी खा सकते हो, यह आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देगी, जिससे आपकी हाइट बढ़ने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन में विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के आपके हाइट को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
जितने भी खट्टे चीज है जैसे संतरा, नींबू, बेर, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी आपकी कोशिकाओं को बेहतर करता है और इसके साथ साथ यह आपके हड्डियों के डेंसिटी यानी घनत्व को बढ़ाता है, जिससे आपकी हाइट बढ़ने लगती है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। सूर्य का प्रकाश यह विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जाकर धूप में खड़े हो जाना है। विटामिन डी आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है और इसके साथ साथ आपके हाइट को बढ़ाने में भी मदद करता है। और विटामिन के का सबसे अच्छा सोर्स है पालक और शलगम। इसे विटामिन के का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स आपके हाइट को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगी, इसलिए अपना डेली डाइट प्लान में इसे शामिल करें। तो अब बात करते हैं मिनरल्स की। हाइट को बढ़ाने के लिए जितना जरूरी प्रोटीन और विटामिन होता है, उतना ही जरूरी मिनरल्स भी। मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यह सभी न्यूट्रिएंट्स आपको हरी सब्जियां, दूध और बनाना यानी केला में मिल जाएगी। हरी सब्जियों में प्रोटीन के साथ साथ बहुत से मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो आपके हाइट को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगी। और दूध में भी मिनरल्स पाए जाते हैं और बनाना में भी यह सभी प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए आप हफ्ते में कम से कम 8 से 10 केला जरूर खाएं। तो आपने आज जो जो जाना, यह सभी आपके हाइट को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी, इसलिए आप इन सभी चीजों को अपने डेली डाइट प्लान में शामिल करें। और हाँ, एक चीज और, आप जंक फूड से दूर रहें। जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, यह सभी आपके हाइट को बढ़ाने में बाधा डालती है। आजकल ज्यादातर लोग जंक फूड ही खाते हैं। अगर आप भी ज्यादा जंक फूड खाते हो तो आज ही से उसे छोड़कर इन सभी चीजों को खाएं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में शेयर जरूर करना, ताकि वह भी जंक फूड को छोड़ के सही चीज को अपने डाइट प्लान में शामिल करें। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सामने वाले घंटे को बजाकर ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।